हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दी चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद आरएसएम एंड हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ़ फाइनेंशियल अकाउंटेंसी एंड आज का डिस्कशन होने वाला है अबाउट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज़ फाइनल अकाउंट्स तो इसके पहले हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली है हमने बाय पूरा रिवाइज कर लिया हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग पूरा रिवाइज कर लिया है एंड आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट फाइनल अकाउंट्स के बारे में कि एग्जैक्टली फाइनल अकाउंट्स जो है वो उसमें कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं फॉर्मेट में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है एज वेल एज बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है क्वेश्चन टेन मार्क्स के लिए पूछा जाएगा कि ट्वेंटी मार्क्स के लिए पूछा जाएगा वॉट विल बी दी एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ क्वेश्चन तो एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन मच डिटेल तो ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और लास्ट तक देखिए फाइनल अकाउंट सब कुछ आपका क्लियर इस वे से हो जाएगा तो बेसिकली फाइनल अकाउंट्स ये चैप्टर अगर हम फाइनेंस की बात करें तो दिस चैप्टर कैरीज 20 मार्क्स अब पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि 20 मार्क्स में कैसा क्वेश्चन आ सकता है तो 20 मार्क्स में जो क्वेश्चन आता है उसमें सबसे पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस का एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा तो यू नीड टू प्रिपेयर अ फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सेकेंड यू नीड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट का भी एक आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा ये दोनों फॉर्मेट बनाने के बाद इसमें आपको नोट्स टू अकाउंट्स भी बनाने पड़ेंगे नोट्स टू अकाउंट्स दैट इंडिकेट्स वॉट कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट बनाना है नोट्स टू अकाउंट्स बनाने हैं नोट्स टू अकाउंट्स में सारी चीज़ें पोस्टिंग करनी है पोस्टिंग करने के बाद उसको क्लोज करके प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट में प्रेजेंट करना है तो दैट इज़ वाई दिस टॉपिक इज़ टाइप क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग तो काफी ज्यादा टाइम इस टॉपिक में लगता है लेकिन प्रॉब्लम क्या है टाइम ज्यादा लगता है लेकिन बच्चों का टाइम वेस्ट हो जाता है ये चैप्टर अगर अटेम्प्ट करेंगे और अगर कंपलसरी क्वेश्चन आता है तो लेकिन एक बेनिफिट भी है इस टॉपिक को अटेम्प्ट करने का कि इस चैप्टर में जर्ल एंट्रीज वगैरह नहीं है इस चैप्टर में आपको सीधा सिंपल पोस्टिंग के मार्क्स मिलते हैं अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछता है वो आपको टेन मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है अभी टेन मार्क्स में वो करता क्या है मार्क्स में आपको सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस पूछेगा या ओनली बैलेंस शीट पूछेगा अगर आपको यह चैप्टर बिल्कुल भी नहीं आता है तो ध्यान से देखिए मैं सब कुछ करवाऊंगा आपको पूरा फॉर्मेट ही हम डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद तो आप सिर्फ पोस्टिंग करने का ही काम आपका रह जाता है तो फाइनल अकाउंट्स में यू विल गेट अ क्वेश्चन ऑफ ट्वेंटी मार्क्स और यू विल गेट अ क्वेश्चन ऑफ टेन मार्क्स और यू कैन गेट बोथ ऑफ दिस क्वेश्चंस आल्सो इन योर पेपर द रीजन इज वेरी सिंपल टेन मार्क्स अल्टरनेटिव ऑप्शंस में जो क्वेश्चंस आते हैं वहां पे भी एग्जामिनर आपको क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है तो फाइनल अकाउंट्स में अभी क्या क्या पढ़ना है कैसे फॉर्मेट को याद रखना है पूरा डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं एंड Uh, जो भी पॉइंट्स है उसके अंदर क्या पॉइंट्स आते हैं वो भी सारी चीजें हम आज के सेशन में डिस्कस कर लेंगे जिसके बेसिस पे आप कोई भी फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन निकाल के देखिए आपको यही पॉइंट्स बार बार देखने मिलेंगे हम उसके अंदर के आने वाले पॉइंट्स को ही डिस्कस कर लेंगे तो दैट विल बी बेटर फॉर अस तो सीधा चलते हैं फॉर्मैट के ऊपर देखो अगर हम फॉर्मेट की बात करें तो सबसे पहले हमको फॉर्मेट में क्या आता है सबसे पहले हमको फॉर्मेट में आता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज दिस इज अवर हेडिंग देन हमारा फॉर्मेट में कंसेप्ट आता है शेयर होल्डर फंड्स का तो शेयर होल्डर फंड्स के बाद हमको लिखना है सबसे पहले शेयर कैपिटल अगर बैलेंस शीट की बात करें तो हमको क्या लिखना है शेयर कैपिटल लिखना है शेयर कैपिटल में आप सभी को ही पता होगा इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑथोराइज शेयर कैपिटल प्रेजेंट करना है नेक्स्ट आपको लिखना है रिजर्व एंड सरप्लस इसके अंदर सारे रिजर्व लिखना है सिक्योरिटीज प्रीमियम जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस वो सारी चीजें आपके इस रिजर्व में आएगा फिर आगे अगर हम बढ़े तो आगे हमको क्या पूछा जाएगा आगे हमको पूछा जाएगा नॉन करंट लाइबिलिटीज तो नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या आएगा नॉन करंट लाइबिलिटीज में हमारा सबसे पहला हेडिंग है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का नॉन करंट लाइबिलिटीज में हमको क्या आएगा हमको लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आएंगे तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या आता है अभी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में हमारे जो पॉइंट्स है डिबेंचर्स आएंगे डिबेंचर्स ठीक है डिबेंचर्स रहते हैं बैंक लोन रहता है ये सारी चीजें हमारी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आती है अगर बैंक लोन भी आपने अगर शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए लिया है तो वो आपका शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में आता है नेक्स्ट आपका होता है पॉइंट करंट लाइबिलिटीज करंट लाइबिलिटीज के अंदर आपको क्या पहले लिखना है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में एक पॉइंट हमेशा याद रखना जो नॉर्मली आता है व्हाट दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट या कोई अनसिक्योर्ड लोन वगैरह रहेगा तो वो भी इधर ही आएगा नेक्स्ट इज ट्रेड पेबल्स ट्रेड पेबल्स में हमारे दो चीजें आती है एक है आपका बिल्स पेएबल एंड दूसरा है आपका क्रेडिटर्स तो ये दो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जो यहाँ पे आएंगे सन्डरी क्रेडिटर्स फॉर गुड्स सन्ड्री क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस बिल्स पेएबल ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे आएगी अदर करंट लाइबिलिटीज में ऐसे कुछ पॉइंट्स आएंगे जैसे कि आउटस्टैंडिंग है जैसे कि अगर आपके क्वेश्चन में एडजस्टमेंट आएगा इंटरेस्ट एक्रूड इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग सैलरीज वो सब यहाँ पे हम अदर करंट लाइबिलिटीज के अंदर लिख सकते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म प्रोविजन देखो शॉर्ट टर्म प्रोविजन्स में आपको करना क्या है आपको हमेशा दो चीज़ें याद रखनी है एक तो आपका क्वेश्चन में रहेगा प्रोविजन फॉर टैक्स ठीक है आपको क्वेश्चन में में से लेना है प्रोविजन फॉर टैक्स और उसमें से आपको एडवांस टैक्स जो है वो माइनस कर देना है और जो भी डिफरेंस आएगा उस वैल्यू को आपको शॉर्ट टर्म प्रोविजन्स में लिखना है प्रोविजन फॉर टैक्स से हम जो आपका फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेता हूँ प्रोविजन फॉर टैक्स है आपका दो लाख चालीस हजार यह आपका प्रोविजन फॉर टैक्स है ठीक है और आपका एडवांस टैक्स है दो लाख रुपया अगर आपके क्वेश्चन में ऐसे पॉइंट्स आए तो दो लाख चालीस में से दो लाख अगर माइनस करेंगे तो बचेगा चालीस हजार ये आपको शॉर्ट टर्म प्रोविजन के हेडिंग के अंदर लिखना है तो ये आपका इक्विटी एंड लाइबिलिटीज शेयर होल्डर फंड्स में दो पॉइंट्स आते हैं शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस फिर नॉन करंट लाइबिलिटी में सिंगल पॉइंट आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जिसमें डिबेंचर्स आएगा करंट लाइबिलिटीज के अंदर ए बी सी डी पॉइंट है हर एक के अंदर कुछ कुछ पॉइंट्स आते हैं जैसे कि शॉर्ट टर्म बोरइंग्स में बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा ट्रेड पेएबल्स के अंदर बिल्स पेबल क्रेडिटर्स ऐसे पॉइंट्स आएंगे अदर करंट लाइबिलिटीज में एनी काइंड ऑफ आउटस्टैंडिंग या एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट एक्रूड वो सारे पॉइंट्स आएंगे शॉर्ट टर्म प्रोविजन्स मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया आपको प्रो, प्रोविजन फॉर टैक्स में से एडवांस टैक्स को क्या करना है लेस कर देना है ये इतना करने के बाद हमारा जो बैलेंस शीट का टोटल आएगा दैट विल बी अवर फर्स्ट पार्ट ऑफ बैलेंस शीट एंड दैट इज शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के बाद हमारा टोटल आ जाएगा अब हम डिस्कस करते हैं असेट साइड अब देखो असेट साइड में नॉर्मली आप पहले फिक्स असेट्स वगैरह लिखते थे लेकिन ये जो वर्टिकल बैलेंस शीट है इसमें हम लोग पहले हेडिंग लिखेंगे नॉन करंट असेट्स नॉन करंट असेट्स के अंदर हम फिक्स हेडिंग नहीं लिखेंगे हम लिखेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में हम सारे फिक्स असेट्स लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर मोटर कार ऐसे वैल्यूज हम यहाँ पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन रहेगा तो डेप्रीसिएशन माइनस कर देंगे नेक्स्ट जो हमारा आता है इंटेंजिबल असेट्स इंटेंजिबल अट्स आपको सभी को पता है गुडविल पेटेंट्स कॉपीराइट्स राइट्स ट्रेडमार्क ऐसे सारे हमारे इंटेंजिबल असेट्स होते हैं वो हम इंटेंजिबल में लिखेंगे नेक्स्ट इज हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स देखो इन्वेस्टमेंट्स में दो रहता है एक रहता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स और एक होता है करंट इन्वेस्टमेंट्स ठीक है करंट इन्वेस्टमेंट्स अभी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स अगर रहा तो आपको यहां लिखना है अगर क्वेश्चन में ओनली इन्वेस्टमेंट्स रहा तो भी आपको यही पे लिखना है अगर आपके क्वेश्चन में करंट uh, इन्वेस्टमेंट्स है तो फिर वो करंट असेट्स में जाएगा अदर नॉन करंट असेट्स जो है उसमें आप वो नॉन करंट असेट्स के पॉइंट्स जो अदर नॉन करंट असेट्स है जैसे कि इन्वेस्टमेंट नॉन नॉन करंट बोला है तो वो यहाँ पे आ जाएगा यूजुअली इन्वेस्टमेंट सिंगल रहता है लॉन्ग टर्म का तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है दैट इज करंट करंट में सबसे पहला पॉइंट है इन्वेंट्रीज इन्वेंट्रीज हम सभी को पता है विच इज कॉल्ड एस्ट स्टॉक और यहाँ पे आपका क्लोजिंग स्टॉक आएगा जो आपके क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में दिया रहेगा तो एडजस्टमेंट में जो भी आपको स्टॉक दिया है वो आपको यहाँ पे लिखना है एंड उसके बाद हमारे अगर पॉइंट्स की बात करें तो उसके बाद जो पॉइंट है वो है ट्रेड रिसिवेबल्स अब ये ट्रेड रिसिवेबल्स जो पॉइंट है इस ट्रेड रिसबल्स में आपको याद रखना है इसमें आता है बिल्स रिसीवेबल इसमें आता है अभी डेटर्स डेटर्स अभी में में फाइनल अकाउंट्स क्या होता है डेटर्स में ना दो पॉइंट दिया रहता है कभी कभी दिया रहेगा ड्यू फॉर मोर देन सिक्स मंथ्स तो क्या रहेगा ड्यू फॉर मोर देन सिक्स मंथ्स और आपको दिया रहेगा ड्यू फॉर लेस देन सिक्स मंथ्स तो ऐसे दो टाइप के बाइफर्गेशन आपको करने हैं उसमें ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं है एक लाख रुपये दिया और उसमें कहा है कि ट्वेंटी uh, थाउजेंड आपका ड्यू फॉर मोर देन सिक्स मंथ्स है तो रिमेनिंग एटी थाउजेंड विल बी ड्यू फॉर लेस देन सिक्स मंथ दैट्स इट दैट इज दी प्रेजेंटेशन नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है दैट इज कैश एंड कैश इक्वी बैलेंस तो कैश एंड कैश इक्वी बैलेंस में आपके पॉइंट आएंगे जैसे कैश बैंक ये सारे पॉइंट्स आएंगे तो ये आपको यहां पे लिखने हैं तो दिस इज दी फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट फिर उसके बाद आपको इसका भी टोटल आएगा तो ये जो टोटल हमको मिलेगा और ऊपर का जो टोटल हमको मिलेगा वो सेम होना चाहिए उसी को तो हम कहते हैं बैलेंस शीट हमारा टैली हो जाएगा तो दिस इज दी वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट बस इसी से आप क्वेश्चन को देखिए क्वेश्चन इजिली आप सॉल्व कर पाएंगे एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर इज ट एवर पोस्टिंग टू डू राइट इन दी चैप्टर दिखने में बड़ा है लेकिन स्कोरिंग में बहुत सिंपल है क्योंकि हर बार आपको पता है डेटर्स किधर आएगा ट्रेड रिसीवेबल्स में उतना भी लिखेंगे तो उसके मार्क्स तो मिलने वाले इसलिए इसको ब्लैंक मत छोड़ो इसको पढ़ के रखो ये चैप्टर को अगर कोई अल्टरनेटिव में क्वेश्चन आता है फाइनल अकाउंट्स के जो आपको इजी लगता है तो आप वो सॉल्व कर लेना जैसे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वगैरह क्वेश्चन है अगर आपको लगता है कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में एडजस्टमेंट थोड़े डिफिकल्ट आए मेरे को नहीं समझ में आ रहा है काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा है तो अल्टरनेटिव में आपके पास ऑप्शन होना चाहिए इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ ऑप्शनल चैप्टर्स जो होते हैं वो पढ़ के रखना है एग्जाम में जाके ऑप्शन ढूंढना है पहले ही ऑप्शन नहीं ढूंढना है पहले अगर आप ऑप्शन में वो चैप्टर ही पूरा रख दोगे तो आपके पास तो पहले से ही डिसएडवांटेज है कि एग्जाम में जाओगे तो आपको वही सम सॉल्व करना पड़ेगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का जो आपने सोचा है लेकिन ऐसा मैंने नोटिस किया इतने सालों में कि जो स्टूडेंट सोचता है ये मैं ऑप्शन में रखूंगा वही पेपर में उसको देखने मिलता है तो ये ध्यान रखना दिस इज द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट इसी तरीके से अभी हम क्या करेंगे अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस का भी फॉर्मेट पढ़ लेते हैं एक बार तो आपको क्लियर कट प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट बताता हूँ कौन से पॉइंट्स किस में आएंगे सारी चीज़ें डिस्कस करता हूँ तो अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छा लगा है कुछ समझ में आ रहा है तो लाइक करिए अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें सो so दैट मुझे भी पता चले आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है नेक्स्ट चलते हैं अभी प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट पर पी एंड एल का फॉर्मेट देखो पी एंड एल का फॉर्मेट भी वर्टिकल है तो हमको सबसे पहले ना इनकम लिखने हैं उसके बाद हमको एक्सपेंसेस लिखने हैं तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अब ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में हमको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है इसमें आता है सेल्स अभी सेल्स में भी कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स रहेगा अलग अलग दिखा देगा इसमें से हमको लेस करना है रिटर्न तो आपके जो भी रिटर्न होंगे रिटर्न्स आपके इनवर्ड वाले रिटर्न जो रहेंगे जिसको हम सेल्स रिटर्न कहते हैं वो इसमें से माइनस करना है तो आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का फाइनल आंसर मिल जाएगा नेक्स्ट आपको अदर इनकम लिखना है अभी अदर इनकम क्या होता है अदर इनकम वो पॉइंट्स होते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में रहते हैं जैसे कि आपने बहुत बार पॉइंट देखा होगा रेंट रिसीव्ड फिर डिविडेंड रिसीव्ड फिर कमीशन रिसीव्ड तो ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं वो आपके इनकम है तो ये जितने भी पॉइंट आपके रिसीव्ड के होंगे दैट विल बी योर इनकम और वो हम लोग अदर इनकम के हेडिंग में लिखेंगे तो सेल्स और अदर इनकम लिखने के बाद जो भी आपको आंसर आएगा उसको हमको प्लस करना है और उसको नाम देना है टोटल इनकम अब ये तो यहाँ तक तो काफ़ी इजी है आगे जो प्रॉब्लम है आगे जो पॉइंट्स है उसमें थोड़ा गड़बड़ होता है लोगों का और रॉन्ग इसलिए होता है कि कौन से हेड में क्या लिखने का वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है अभी ध्यान से सुनना और हो सके तो लिख के रखो अपने पास देखो एक्सपेंसेस को फाइनल uh, अकाउंट्स के फॉर्मेट में छह कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है और ये नॉर्मली छह कैटेगरीज ही आपको पेपर में देखने मिलेगी एक-एक चीज बताऊंगा ध्यान से लिख के रखना सबसे पहला सबसे पहला है कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड अब ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में क्या आता है तो आपको क्या आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में ओपनिंग स्टॉक ठीक है क्या आता है ओपनिंग स्टॉक आएगा उसमें परचेजेस ऐड करना है कैरेज इनवर्ड ऐड करना है और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो लेस करना है ठीक है बहुत सिंपल जो कॉस्टिड में भी करते हैं आप डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम वैसा ही है ओपनिंग स्टॉक परचेजेस कैरेज इनवर्ड क्लोजिंग स्टॉक और अगर कुछ ऐसे पॉइंट्स रहे जो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आते हैं मटेरियल लॉस बाय फायर वगैरह तो वो भी आपको यहाँ पे लेस करना है मटीरियल लॉस बाय फायर ऐसे कुछ आ सकते हैं डिपेंड करता है तो इसका जो भी आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा कॉस्ट ऑफ मटीरियल्स कंज्यूम्ड का उसके बाद आता है in अभी ये क्या है decrease oblique in, increase in inventories? इसमें आपको हमेशा याद रखना है कि आपको इसको ओपनिंग गुड्स का इसमें से क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का माइनस करना है तो व्हाट वी हैव टू डू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो भी आंसर आएगा वो आंसर पॉजिटिव भी हो सकता है वो आंसर नेगेटिव भी हो सकता है अगर आपका ओपनिंग स्टॉक एक लाख रुपया है और क्लोजिंग स्टॉक डेढ़ लाख रुपया है तो आंसर पचास हजार नेगेटिव आएगा तो आपको ब्रैकेट में लिखना है तब आप माइनस करेंगे दैट विल बी योर सेकंड पॉइंट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हमेशा लेस करना है नेक्स्ट है हमारा थर्ड नंबर का पॉइंट विच इज़ कॉल्ड एज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस अब इसमें क्या लिखते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में हम क्या लिखते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में हम एम्प्लॉयज़ रिलेटेड पॉइंट लिखते हैं जैसे कि सैलरीज एंड वेजेस जो हम लोग एम्प्लॉय को सैलरीज देते हैं वेजेस देते हैं उसके साथ आएगा आपका बोनस ये जो पॉइंट्स है ये आपके एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंसेस के हेडिंग के अंदर आएंगे नेक्स्ट इज द पॉइंट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट तो फाइनेंस कॉस्ट में आपको क्या करना है जो भी आपने अगर बैंक में से लोन लिया है उसका जो भी आप इंटरेस्ट भरेंगे तो व्हाट एवर इंटरेस्ट यू आर पेइंग इंटरेस्ट पेड ऑन ओवर ड्राफ्ट इंटरेस्ट पेड ऑन लोन ये सारी चीजें आपको फाइनेंस कॉस्ट के हेडिंग के अंदर ही लिखनी है बिकॉज इधर उधर लिखेंगे तो भी आपका आंसर तो सही आएगा प्लस लास्ट में जाके माइनस ही करना है लेकिन इंटरनल प्रेजेंटेशन के मार्क्स आपके जाएंगे तो फाइनेंस कॉस्ट के अंदर इंटरेस्ट पेड का पॉइंट आएगा नेक्स्ट आपका है डेप्रिसिएशन एंड एक्सपेंस अभी एक वर्ड इधर एमोरटाइजेशन करके है डेप्रिसिएशन का मतलब आप सभी को पता है कि जो भी हम फिक्स असेट्स में से वैल्यू को रिड्यूस करते हैं असेट्स में से डेप्रिसिएशन दिया रहता है उसको हम यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में एंड दूसरा होता है amortization. Amortization मतलब जो भी आपके इंटेंजिबल अट्स होते हैं जैसे कि गुडविल पेटेंट्स कॉपीराइट्स ये जो हम उसको राइट ऑफ करते हैं तो वो हैवी एक्सपेंडिचर है इसलिए राइट ऑफ करने के बाद उसका जो राइट ऑफ वैल्यू है जितना हमने राइट ऑफ किया है वो हमको इस हेड के अंदर दिखाना पड़ेगा गुडविल रिटर्न ऑफ अगर आएगा तो इस हेड के अंदर एमोरटाइजेशन के अंदर आपको दिखाना पड़ेगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ गुडविल रिटर्न ऑफ पेटेंट्स कॉपी ऐसा सब कुछ अगर रिटर्न ऑफ है तो वहां यहां लिखना है इसके बाद आपका लास्ट एक्सपेंस आता है जो अदर एक्सपेंसेस है जितने भी आपके अदर एक्सपेंसेस होंगे जैसे कि डायरेक्टर्स रेमुनरेशन रिपेयर्स मेंटेनेंस इंश्योरेंस प्रीमियम इलेक्ट्रिसिटी रेंट संड्री एक्सपेंसेस ऑडिट फीस एडवर्टाइजमेंट प्रीपेड एक्सपेंसेस जो अगर आप एक्सपेंसेस में से कुछ पॉइंट्स है तो ये सारे यहाँ पे आएंगे आर लॉस बाय फायर बहुत सारी चीज़ें दो दो दस बारह मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दे दिए तो बचे कुचे पॉइंट्स अब हमको अदर एक्सपेंसेस के हेडिंग में लिखना है अब वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये जितने भी पॉइंट्स है इन सबको आपको ऐड करना है इन सबको ऐड करने के बाद आपको जो भी टोटल आएगा दैट विल बी योर टोटल एक्सपेंसेस तो आपको ये टोटल एक्सपेंसेस मिलेगा ऊपर हमको टोटल इनकम मिला था तो समझो टोटल इनकम को हमने ए मार्क कर लिया टोटल एक्सपेंसेस को हमने बी मार्क कर लिया अब हमको करना क्या है इनकम माइनस एक्सपेंसेस आप करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स विच इज कॉल्ड पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से आपको जो है वो टैक्स को माइनस कर देना है जब आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स को माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिस इज द क्लियर फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट आप इस फॉर्मेट से कोई भी फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन देखिए आपको इजीली समझ में आ जाएगा ये सारी चीज़ें नोट डाउन करके रखें सिर्फ हमको इसमें पोस्टिंग करना है जितना पोस्टिंग सही होगा उतना आपको मार्क्स एग्जाम में मिलने ही वाला है तो ये एक लाइफ सेविंग टॉपिक है एग्जाम ओरिएंटेड इफ यू आर फाइंडिंग अदर चैप्टर्स हैज डिफिकल्ट डोंट पुट दिस चैप्टर इन ऑप्शन बिकॉज दिस विल सेव यू दिस विल हेल्प यू टू गेट गुड मार्क्स इन द पेपर और जिनको पासिंग से डर लग रहा है कि पासिंग होगा कि नहीं होगा उनके लिए भी ये पासिंग वाला चैप्टर है बिकॉज इसमें आपको पोस्टिंग के मार्क्स मिलेंगे आई होप कि आपको आज का सेशन इंटरेस्टिंग लगा है आपको इसमें से कुछ चीज़ें समझ में आई है अगर आपको पहले से ये चैप्टर आता है तो आपका रिविजन हुआ है अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर ले बिकॉज हमने जो मैराथन सीरीज स्टार्ट की है उसमें मुझे भी मोटिवेशन मिल पाए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट सेशन में Bye bye. Take care.